अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका टीचर आदिल अजीज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पेज नंबर 13, फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल 2017। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक्सेल कर चुके हैं, एक्सेल को किस तरह से स्टार्ट करना है ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। आज जो है वो हम इस पर पढ़ेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट एंड ऑर्डरनेशन ऑफ डेटा, और सॉरी अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ डेटा, नंबर फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। सबसे पहले है फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट क्या होता है? जो लिखाई होती है, ठीक है, लिखाई की फॉर्मेटिंग जो है वो आपको चेंज करनी है। किस तरह से करनी है? एक्सेल हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास फॉन्ट आ रहे हैं, फॉन्ट साइज आ रहा है, ठीक है, और फॉन्ट कलर है, फॉन्ट जो है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसा रोल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक जो हेडिंग है इसे सिलेक्टेड कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये एरियल ब्लैक में आ जाए। तो देखें ये चेंज हो गए, एरियल ब्लैक में हो गए। इसी तरह से आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप 14 करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट साइज इनका 14 हो गया, ठीक है। मतलब ये कि पूरा अगर आप सिलेक्टेड कर लेंगे सेल तो वो एक साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही सेल पे करना चाहेंगे, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि नहीं इसका फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन नीचे है, तो आप ऊपर इसको टाइप कर लें टाइम्स न्यू रोमन। जैसे ही आपने टाइप किया तो नीचे देखें फॉन्ट आ गया टाइम्स न्यू रोमन। अब इस पर क्लिक कर दें तो रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स जो हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉन्ट और फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। अब आ गया कलर, तो ये है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो है वो आप जो कलर रखना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने ब्लैक कर दिया है, आप जो है वो ब्लू करना चाह रहे हैं, कोशिश ये करें कि अगर बैकग्राउंड लाइट है तो फॉन्ट कलर जो है वो डार्क हो, कंट्रास्ट में आए, ठीक है, तो वो विजिबल होगा। लाइट पे लाइट कलर जो है वो विजिबल नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी पढ़ने में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ये आ गया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड क्या होता है? थोड़ा सा ये साइज में थोड़ा सा जो है, साइज में नहीं, थोड़ा सा बोल्ड डार्क कलर में हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक में क्या होता है? थोड़ा सा एक तरफ टेक्स्ट जो है वो टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। और अंडरलाइन में क्या होता है? टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाती है, देख रहे हैं टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाती है। तो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर आपको ख़त्म करना है तो दोबारा U को प्रेस कर दें तो क्या होगा? देखें अंडरलाइन ख़त्म हो गई, इटैलिक है उसको दोबारा प्रेस करें तो इटैलिक ख़त्म हो गया, बोल्ड रिमूव कर दें तो बोल्ड पर दोबारा क्लिक करें बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर। बैकग्राउंड कलर तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने चेंज किया, यहाँ पे आपके पास था बैकग्राउंड कलर, आपने जो देना है वो आप दे सकते हैं। और कलर चाहिए तो मोर कलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितने कलर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। ये इसके टिंट्स कलर होते हैं, जैसा ब्लैक के ये टिंट्स कलर हैं तो यहाँ पे भी सारे टिंट्स कलर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप ये जो है जो लाइंस आ रही हैं प्रिंटिंग में नहीं आती हैं, ठीक है, नॉन प्रिंटिंग्स होती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पे बॉर्डर्स आ जाए तो यहाँ पे आपके पास है बॉर्डर,
आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ब्लैक कलर की लाइंस आपके पास आ गई। लेकिन आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स भी जो है वो कलर्ड में हो या बॉर्डर्स जो है वो डबल लाइन में हो, तो दोबारा से आप सेलेक्टेड करें और ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मोर बॉर्डर्स, ठीक है, इस पर आप चले जाएं तो यहाँ पे बॉर्डर्स की लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, जैसा आपको थोड़ी सी मोटी लाइन चाहिए और कलर जो है वो आप चाह रहे हैं कि ग्रीन कलर में आपके पास हो जाए। ठीक है, ओके कर दें। यहाँ से आपको क्लिक करके इन्हें बॉर्डर्स लगाने होंगे। ठीक है, ये देखिए अब बॉर्डर्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हो गई हैं, राइट। आपने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा मोटी लाइंस हो गई हैं, बारीक लाइन होनी चाहिए, दोबारा आप जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको बारीक लाइनें चाहिए तो आप दोबारा से इसको, ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब टेक्स्ट का अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ डेटा। टेक्स्ट के अलाइनमेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो लेफ्ट राइट और सेंटर है, यह है लेफ्ट, यह है सेंटर और यह है राइट। अब जैसा नेम लिखा हुआ है तो नेम इस जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट एंड साइड में, आप सेंटर करना चाहते हैं या राइट साइड पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। ये तो है आपका हॉरिजेंटली अलाइनमेंट। अगर वर्टिकली करना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि बॉटम पे है, टॉप पे आ जाएगा या फिर बीच में। अगर सेल जो है वो ज़्यादा साइज में है तो फिर आप इस तरह से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। अब जैसा ये हॉरिजेंटली आपने कह दिया सेंटर में हो और वर्टिकली भी सेंटर में, तो ये देख रहे हैं ये सेंटर में होगा, तो ये है अलाइनमेंट आपके पास। अच्छा जी, फिर इसी तरह से आप चाहते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जैसा रोल नंबर है, अब मैं चाहता हूँ किसी एंगल पे 45 एंगल पे जो है ना ये हो, तो यहाँ पे है इसकी ओरिएंटेशन, राइट। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखें है? और यहाँ पे ये सारे सेल मैंने लिए हुए हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल, मैंने लिख दिया, राइट। अब ये स्कूल की जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो वर्टिकली हो जाए। अब ये वर्टिकली तो हो गया, लेकिन क्या है कि ये सेल बहुत सारे हैं तो मैंने इन सबको लेके मर्ज सेल कर दी। तो अब देखें आगे स्कूल इसमें लिखा हुआ सारा से, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर लें, ठीक है, और इसको सेंट्रलाइज कर लें। तो ये क्या ओरिएंटेशन हो गई। अब इसकी जो हमने 45 डिग्री पे किया था इसे नॉर्मल करना है, राइट। तो फिर आप इसको दोबारा से इस पर क्लिक कर दें, ये देखें क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो वर्किंग कर सकते हैं टेक्स्ट पर। तो ये था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, चेंजिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। ठीक है, ये बहुत लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर्स आपने चेंज कर लिया, अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ डेटा ये भी आपने किया, राइट। अब आ रहा है वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट। अब आपने देखा कि मैंने वहां पे ये लिखा हुआ है सक्सेस बिगिन विद हार्ड वर्किंग। अब ये लॉन्ग टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये कॉलम है एफ और रो है 9 और ये बता रहे हैं यहाँ पे F9, ये G9 पे नहीं है, H9 पे नहीं है, I9 पे नहीं है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ F9 पे, ये देखें ये जो फार्मूला वार है
जब मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखें, G9 पे कुछ लिखा हुआ रहा है? नहीं आ रहा। H9 पे, I9 पे, ये सिर्फ F9 पे लिखा हुआ रहा है। अब लॉन्ग टेक्स है, ये दूसरे उस पे भी जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये दूसरे सेल को डिस्टर्ब ना करें, तो फिर इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो है वो है रैप टेक्स। रैप टेक्स के लिए आपको क्या करना होगा, सेल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। ये रहा सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है, अलाइनमेंट, और उसमें आ रहा है रैप टेक्स। ठीक है, रैप टेक्स आपने किया तो क्या होगा, सेल की जितनी विड्थ है उससे आगे टेक्स नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। ये देखें, सेल की अगर विड्थ मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा तो ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, राइट, तो ये हो गया रैप टेक्स। फिर आप चाहते नहीं ये सेल जो है ज़्यादा चौड़ा भी ना हो, तो फिर आप इसको रैप टेक्स से हटा के श्रिंक टू फिट कर देंगे। अब श्रिंक टू फिट में क्या होगा, जितना होगा वो उतना छोटा कर देगा उसको। तो ये नॉर्मली रीडेबल नहीं होता, लेकिन ये ऊपर से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रिंक टू फिट हो गया। फिर सेल फॉर्मेटिंग में आप मर्ज सेल कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज सेल क्या है कि आप इसको यहाँ तक लेकर आ गए और ये मर्ज आपने कर दिया। तो ये 3FGH के अंदर जो है ये मर्ज हो गया सर। और इस मर्ज को अगर ख़त्म करना है दोबारा आप जाएंगे, तो अब यहाँ देखें मर्ज सेल है, इसको दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, फिर दोबारा से अलग अलग हो गया, राइट। इसके बाद आपके पास है एक प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम आप लोग करके देखिएगा, इसमें वही चीज़ें हैं, मर्ज सेल है, अलाइनमेंट है, जैसा डेटा उसके अंदर लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग डेटा उसको कर लें। देन इसके बाद है नंबर फॉर्मेटिंग। ये जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं ना, इसके मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हैं कि कॉमा कहाँ होना चाहिए, डॉलर साइन कहाँ होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये रही आपके पास। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर में लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये नॉर्मल सा एक नंबर लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके साथ कॉमा आ जाए। ठीक है, तो कॉमा के साथ आप देख रहे हैं दो डेसिमल प्लेसेस भी आ गए और कॉमा भी लग गया। थाउजेंड सेपरेटर हम जिसे कहते हैं, इंटरनेशनली अलग होता है और पाकिस्तानी अलग है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हों, फोर डेसिमल प्लेसेस हों, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो फोर डेसिमल प्लेसेस हो गए। आप चाहते हैं नहीं फोर नहीं हो, कम हो, तो फिर आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको मिटा नहीं सकते, देखें यहाँ फार्मूला बार में आपके पास नहीं आ रहे डेसिमल प्लेसेस, नॉर्मल नहीं आ रहे, लेकिन इस सेल की फॉर्मेटिंग जो है अकॉर्डिंग टू नंबर फॉर्मेटिंग वो हमने इसको इस तरह से कर दी। अब आप ये चाहते हैं कि इसके साथ डॉलर साइन भी आ जाए, मतलब करेंसी सिंबल भी आ जाए, तो करेंसी सिंबल के लिए आपके पास ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे रीजनल सेटिंग, कंप्यूटर के अंदर आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल में, तो वहाँ पे रीजनल सेटिंग है। पाकिस्तान के लिए जो हम देखते हैं ना वो होता है RS, रुपीस। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप RS कर देंगे तो RS हो जाएगा, अदरवाइज डॉलर है तो बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है, तो डॉलर साइन ही आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आ रहा है करेंसी सिंबल। ठीक है, और इसके अंदर यूरो भी है, ये आ गया रुपीस उर्दू पाकिस्तान। ठीक है, अब इसको ओके कर दें तो अब ये देखें रुपीस आ गया। आप कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हुआ होगा नंबर के साथ आएगा। ठीक है, और इसको आप करेंसी संबंध कर देंगे तो ये आ रहा है आपके पास डॉलर। और यहाँ पे अगर आप दोबारा जाएंगे मोर करेंगे इसे, तो फिर आपको दोबारा से इसको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करना होगा, क्योंकि वो एक सेल में हमने किया था। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हो, तो फिर कंट्रोल पैनल में जाके, रीजनल सेटिंग में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं।
वहाँ से एक दफ़ा अगर आप कर देंगे तो ये पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विंडोज़ में जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं वो सब में जो है वो रीजनल सेटिंग के अंदर RS पाकिस्तानी रुपीस आ जाएगा। इसको रुपीस कर दिया, डेसिमल प्लेसेस आपसे पूछ रहा है, इसको दो कर दिया आपने, यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस के साथ जो है वो आपके पास करेंसी सेट बना रहा है। ठीक है, देन इसके बाद दोबारा आपके पास जो है वो एक प्रैक्टिस टाइम है, इस प्रैक्टिस टाइम को देखिएगा और इसमें वही है कि फॉन्ट साइज आपको चेंज कर रहे हैं, अलाइनमेंट है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लें, अगर कुछ मुश्किल हो तो मुझसे ऑनलाइन पूछ लीजिएगा। फिर आ रहा है आपके पास सेल स्टाइल, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास पहले से ये था सेल स्टाइल, पहले से कुछ लेआउट्स मौजूद हैं बने बनाए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दें तो वो आपका सेल स्टाइल वैसे हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे हमने खुद से किया था ना कि बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, तो ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद खुद से जो है वो पहले से बनी हुई है। इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके पास मौजूद हैं, तो ये सेल स्टाइल भी आप इसको दे सकते हैं, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज शुड बी डन इन द बुक, बुक के अंदर आपके कुछ एक्सरसाइज हैं, यहाँ पे है MCQs हैं, यहाँ पे आपके पास चूज द करेक्ट आंसर, विच वन इज नॉट अ वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में कौन सा नहीं था, टॉप, मिडिल, बॉटम या लेफ्ट, लेफ्ट नहीं था। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट जो है वो हॉरिजेंटल में, विच वन इज हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, इनमें से कौन सा हॉरिजेंटल, सब है, लेफ्ट भी होता है, सेंटर भी होता है, राइट भी होता है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अ सेल मल्टीपल लाइंस, किस में होता है, मल्टीपल लाइंस में हो जाता है, रैप टेक्स्ट, अ सेल स्टाइल कैन कैरीज ऑफ, सेल स्टाइल कैरीज ऑफ क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, इसमें जो है वो ऑल ऑफ दीज है, इसमें नंबर फॉर्मेट है, फॉन्ट फॉर्मेट है, सेल, ठीक है, प्रोटेक्शन है, कंसिडर द नंबर ये दिया हुआ है और ये A1, सेलेक्ट A1 एंड क्लिक इंक्रीज द डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, ये वाला फॉर्मेट। ओके, अब क्वेश्चन आंसर है जो आपको क्लास वर्क में करना है, क्लास वर्क कॉपी के अंदर करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, लास्ट टाइम भी आप लोग ने अच्छा काम किया था, वन फिंगर स्पेस के साथ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि साफ सुथरी राइटिंग हो, इंडेक्स मेंटेन हो और जो है टाइटल पेज इसके अंदर आप बना लें, राइट। अब ये क्वेश्चन है टू बी डन इन द कंप्यूटर लैब, जब कंप्यूटर लैब में आप लोग आएंगे तो मैं करवा दूंगा, अगर घर में है आपके पास आप लोग घर में कर सकते हैं तो आप लोग इसको घर में कर लें। ठीक है, प्रैक्टिकल है यहाँ पे, एक छोटा सा मैंने एक ही प्रैक्टिकल लिया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।